से पढ़ो अनुवाद। इसका संचालन आदरणीय उषा महाराज ह्यूस्टन से करने वाली थी, पर आपको पता है कल वो थी और उनका स्वास्थ्य में काफ़ी समस्या हो रही थी, तो बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही थी। तो आज सुबह की फ्लाइट से वो दिल्ली चली गई, तो इसलिए हम उनको मिस कर रहे हैं। उनको मैंने इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बहुत बहुत आरंभ से वो जुड़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट से आदरणीय पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी जुड़े हैं, इस पर ये भी कुछ टीका करेंगे तो हमें बड़ा आनंद होगा। तो इसके लिए मैं इसके जो पैनलिस्ट हैं पहले मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जो हैं बांग्ला अनुवाद के लिए काजी हुआ, आप आइए प्लीज। कुमार शर्मा जी आप आएँ, भोजपुरी अनुवाद के लिए अंबे कुमारी जी, अवधि के लिए विनीता मिश्रा जी, और मैं एक को किसी को भूल रहा हूँ कि नहीं भूल रहा, अंबे कुमारी जी, विनीता मिश्रा जी, भोजपुरी मैथिली, हाँ मैथिली नीलम झा जी। टाइटल है जैसे टेंटेटिव है क्योंकि मेरी ई पुस्तक है, वर्तमान समय में रामायण की प्रसिद्धता, पेपर्स ऑफ द 5th इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस, और ये सब इधर उधर की बातें। और अनुक्रमणिका फर्स्ट पेपर इज स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन लॉर्ड राम रामचरितमानस कामाक्षी मिश्रा। तो अगर आर्टिकल अंग्रेजी में है तो नेचुरली आप अंग्रेजी में दिखाई देगा और हिंदी में तो हिंदी में दिखाई देगा, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और 55वां आर्टिकल है मानसिक प्रकृति ऐशा अग्रवाल जो यूपीए में है, तो इसमें से जो ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे वो भी हैं और जो यहाँ प्रेजेंट हुए वो भी लेगा। और इसके बाद मैं सारे लेखें ये पहला लेख जो कामाक्षी मिश्रा जी को आपने सुबह सुनाई था इन लेखे, और वो एक एटलीस्ट वी हैव वी आई वुड कॉल इट्स इट्स अ रफ ड्राफ्ट ऑफ फोर्थ कमिंग बुक। सो आप इसको भी आपको मिल जाएगी भी व्हाट्सएप से, और जैसे मिले आप इसको पढ़िए, आनंद लीजिए इसका, और कभी कमेंट हो बताइए आप। जय श्री राम। कर दो बंद इसका, कोई प्रश्न इसके ऊपर? तो जो ये शब्द है इसका नाम है तुलसी रामायण 8 के 4-8 पंक्तियों में। आप में से कई मित्रों को इस विषय में पता है, आज से करीब 2012 की बात है, यानी 10-11 साल पहले मन में कुछ ऐसा भाव आया जब हम बच्चों को कहते हैं, और बच्चों को क्यों बड़ों को कहते हैं कि रामायण का पाठ करो, तो इतनी मोटी किताब है 1000 पढ़ने की, उसको अखंड रामायण पाठ करने में 24 घंटे लग जाते हैं, जिसको हम ना तो सोचते हैं ना समझते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया ये होती है, भैया इतनी मोटी किताब हमारे पास तो टाइम नहीं है, और उनके पास शायद कोई सर्थक सैन भी है। तो उसी से प्रेरित होकर इस पुस्तक या इस पुस्तक सबसे ठीक नहीं है ये भाव बना के शायद कुछ संक्षेपण किया है, तो उसका नाम रखा गया तुलसी रामायण 1000 पंक्तियों में। उस समय मैंने बहुत विद्वानों से सलाह ली, मुझे तो कुछ आता नहीं था, और उसमें अभी कोई फर्क नहीं आया, अभी भी वही परिस्थिति है, अभी कुछ नहीं आता है, पर पहले मैं कहता नहीं था, अब कह रहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, इतना ही फर्क है। तो ये पुस्तक है क्या? रामचरितमानस के बारे में हम सब जानते हैं क्या है, इसके लिए मेरे 12,587 पंक्तियाँ हैं जिसमें श्लोक की गणना नहीं है, और ये पंक्तियाँ हमने एक्चुअली गिनी हुई हैं, कहीं से गूगल से इधर से उधर से नहीं दिए हैं, वे एक्चुअली काउंटेड वन। गीता प्रेस की बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस से श्लोक को छोड़कर बाकी पंक्तियों की एग्जैक्ट संख्या 12,587। मैंने जब ये बात कई मित्रों से पूछी कि रामायण में कितनी पंक्तियाँ हैं मेरे पास, फटाफट कई लोगों का जवाब आ गया, फिर मैंने पूछा आपने गणित कभी गिनी है, तो किसी का जवाब नहीं है, तो फटाफट गूगल पर जाकर देख लिया, जो नंबर मिल गया वो डाल दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कल के बाद गिनना भी चाहिए, अपना गणित पक्का हो जाता है। तो इसमें क्या किया है कि जो 12,587 पंक्तियां हैं इसमें से 1008 पंक्तियों का चयन है, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसमें कोई छेपक नहीं है, उसमें कोई जोड़ बाकी नहीं है, बाकी है कि कोई जोड़ नहीं है। तो 1008 पंक्तियों का चयन है जो मूल का एग्जैक्टली 8% बैठता है। अब इसका सिर्फ 2 घंटों में पाठ कर सकते हैं, जैसे हम सुंदरकांड का बात कर सकते हैं,
ऐसे कर सकते हैं। और संयोग से पिछले 1.5 साल से विजयादशमी यानी 2020 से 21 से लगातार हर मंगलवार को श्री रामचरित भवन के फोरम पर इस रामायण का पाठ होता है, हर मंगलवार को शाम को 8 से 10 बजे भारतीय समय के अनुसार। उसमें जुड़ने के लिए सब आमंत्रित हैं। इसका फॉर्मेट यह है कि 11 भक्त इसका पाठ करते हैं 10-10 मिनट, उसके बाद में 12वां व्यक्ति रामायण आरती करते हैं और 13वें राम स्तुति करते हैं और 2 घंटे के अंदर ये समाप्त हो जाता है। एवरी ट्यूजडे विदाउट फेल इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर नाउ अबाउट 18 मंथ्स। ठीक है, कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कितने लोग इस मंगलवार के पाठ में जुड़े हुए हैं, जरा हाथ उठा पड़े। तो इसमें फिर भी देश विदेश से, यूएस से, यूके से, दुबई से, सिंगापुर से, ऑफकोर्स बाहर से लोग जुड़े हुए, तो आप इसका पाठ करना चाहें आप सब आमंत्रित हैं। फिर इस अब 1008 पंक्तियां तो चुन ली, पर उसको फिर पढ़ेंगे तो हमारे समझ में कुछ आएगा नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तो मेरे विद्वानों से कहा कि भाई इसको एकदम सरल हिंदी में लिखो, अब तो किताब इसकी हिंदी में समझ में नहीं आती कि इतनी क्लिष्ट हिंदी है। जब गोविंदकार जी ने और पोदार जी ने लिखी होगी तब लोगों को समझ में आती होगी, अब हमारे तो कुछ समझ में आती। तो आप सब जैसे विद्वानों को मैंने संपर्क किया कि एकदम जितना सरल हिंदी में अनुवाद कर सके उतना सरल हिंदी में उपयोग करो। अगर जल की जगह पानी शब्द का प्रयोग ठीक है तो पानी शब्द का प्रयोग करो, जल का प्रयोग मत करो। प्राचल ही अब गंगा के जल के लिए गजल ही कहना पड़ेगा, गंगा नहीं पानी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार का एकदम सरल हिंदी में अनुवाद। मैंने कहा मूल ग्रंथ से कोई छेड़छाड़ नहीं है और मूल काव्य की छंद रचना से कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसका स्ट्रक्चर वही है, दोहा 6-7 चौपाइयां और 6-7 पंक्तियां। कुछ लोग इसमें भी विवाद हो जाएगा, चौपाई घड़ी 2 पंक्ति, 16-16 16-16 चार पाई होती है, तो मैं पंक्तियों का अवसर उम्र जी बैठे मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि चौपाई कैसे कह दिया, ये पंक्ति है तो 6-7 पंक्तियां, फिर दोहा, फिर 6-7 पंक्तियां, फिर सोढ़ा या दोहा, फिर झां उचित हुआ छंद और छंद के तुरंत बाद हुआ, जैसे हमने देखा है रामचरित मानस में जहाँ भी जिसको छंद कहा गया है उसके तुरंत बाद दोहा ऐसे उठाता है, उसके बाद में कोई चौपाई पंक्ति नहीं आती। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं विद्यार्थी हूँ, आप मुझे बिल्कुल पकड़ लीजिए। ये उदाहरण के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, सुंदरकांड की जहाँ से सुंदरकांड का पोषण यहाँ से शुरू होता है, जहाँ वो मंदिर के प्रसन्न हुआ है। सुंदरकांड ऐसा कांड है जो दोहा और छोटे से शुरू नहीं होता है, पता नहीं तुलसीदास जी भूल गए क्या हुआ, बाकी सारे कांड दोहा और छोटे से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बड़े उत्साह में आगे गया, तब तो हनुमान जी को भेजना है, छोड़ो दोहा छोटा को, जहाँ मंत्र के वचन सुहा है सोनी हनुमंत हृदय भाई। तो ये पहली पंक्ति है सुंदरकांड की, दूसरी पंक्ति, फिर छठी पंक्ति। आप देख रहे हैं आप सुंदरकांड का पाठ कितने लोग करते हैं, अगर आपका हाथ खड़ा नहीं है इसका मतलब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, या आप इतने थके हैं कि हाथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। सुंदरकांड का पाठ हर आदमी करता है, तो आप देख रहे हैं कि तीसरी और चौथी और पांचवी पंक्ति नहीं है, इसी तरह ये पंक्तियों को निकाला है ताकि वो संक्षिप्त रामायण बन सके, पर कथा सतत रहे इसका प्रयास रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज इस प्रोजेक्ट में था कि कथा की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जिसने कभी रामायण देखी ना हो, खोली ना हो, उसको पहले बताइए कि इसको पढ़ के देखो कि इसमें तुम्हें कुछ गैप लग रहा है कि कहीं टूट तो नहीं गई है। ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत लोगों के साथ किया है और हमें यही मिला। यहाँ पे श्री कमलेश जोशी जी आए हैं जो भोपाल निवासी, हाँ बताइए आपका, आपने मुझे लिखा था क्या, बताइए आपका क्या अनुभव रहा है। तो जोशी जी ने कहा शायद भूल गए हैं, जोशी जी हैं तो और लोगों का भविष्य देखते हैं। इन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया है कि कहीं टूट 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 तो नहीं है पर मुझे मिला नहीं, लिखा था कि जोशी जी तो ये प्रयास रहा है कि कथा पूरी आई जाए, बड़ी बड़ी घटना का संक्षेप में विवरण हो और स्वागत के कई प्रश्न छूट जाएंगे। जैसे अरण्य कांड में नारद जी की भेंट होती है राम जी से, वो प्रश्न हमने इसमें नहीं लिया है, तो वो तो एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता, फिर भी संभव ही नहीं। तो छठी, सातवीं, फिर आठवीं, नौवीं, ये पहला दुआ और फिर 2-1 और इस हिसाब से एक इसके अजा है। अब आप देखेंगे कि 20, 21, 19 और बीच में देखिए बहुत सारी लाइन छोड़ दी है, 20 फिर 21 सीधा, तो 7-8 लाइन छोड़ दी है, पर आप कंटिन्यूसली आप पढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए
कहीं कुछ छूट रहा है। इसकी लोगों में रुचि हुई तो इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद होने लगा, हिंदी के अन्य भोजपुरियों में। पर अब भी उसका अनुवाद टेक्स्ट में है कि उसका, उसके बारे में मैं विनीता से बाद में बात कहूंगा कि उस थोड़ा एक आध एग्जाम्पल से बारे में बताएं और इसमें इनको क्या दिक्कत हुई अनुवाद करने में। ये सब लोग जब बैठे हैं ये मैंने बड़ा अत्याचार किया है, ये कहेंगे आपसे, इनको कोई डर नहीं है। तो बहुत टॉर्चर किया है अनुवाद कराने के प्रोसेस में, क्योंकि आप खड़ी बोली तो टाइप कर सकते हैं पर मैथिली और हिंदी और भोजपुरी टाइप नहीं कर सकते, वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो कंप्यूटर उस तरह से डिजाइन नहीं है। तो उसको मैंने एक दो बार प्रयास किया, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मुझे हिंदी टाइप नहीं होता। तो सबसे पहला इसका अनुवाद हुआ अवधि में, जिसका विमोचन तुलसी जयंती अगस्त 2022 को किया गया, जो उसका नाम है तुलसी रामायण 1008 पंक्ति माह, जो मैं समझता हूँ अवधि भाषा है, ठीक है। उसके बाद में हुआ मैथिली में अनुवाद, श्रीमती नीलम झा जिन्होंने इतना अध्ययन किया मैथिली भाषा का पहले, तो मैथिली भाषा बहुत कम लोग जानते हैं। हमने बड़ा प्रयास किया कि हमें मिल जाए लोग इसको रिव्यू करने के लिए, तो हमारे एक मित्र ह्यूस्टन में रहते हैं श्री राम मलिक जी, तो उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया इस बारे में। तो उसका नाम है तुलसी रामायण 1008 पांती में। तीसरा अनुवाद है भोजपुरी में, डॉक्टर अंबे कुमारी ने विश्व में पढ़ भी सकता क्या लिखा है, और तेलुगु में डॉक्टर सी कामेश्वरी और श्रीमती उमा शर्मा शर्मा जी का अनुवाद। तो ये सभी अनुवाद यहाँ कटे हुए, अपना अपना रोजना अभी रोएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि क्या है कि कितना बड़ा अत्याचार इनको हुआ है। और अन्य भाषाओं में अनुवाद का काम चल रहा है, उसका मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश का अनुवाद एक्चुअली हो चुका है, पर होने के बाद में यूके में क्या नाम है उनका, डॉक्टर श्रीमती मीनू अग्रवाल, उन्होंने कहा कि मैं भाई साहब उसके बाद देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या देखिए, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा वो देख रहे हैं। वैसे इट्स ऑल डन। गुजराती में करीब 25% अनुवाद हो चुका है, मलयालम तमिल कन्नड़ में फर्स्ट ड्राफ्ट मेरे पास आ चुका है, पर मुझे उसको देखने का अभी समय नहीं मिला क्योंकि पहले तो मुझे मलयालम सीखनी पड़ेगी, फिर कन्नड़, फिर तमिल, फिर तो कुछ कर पाऊंगा। इन्होंने मुझे तेलुगु बंगाली सिखा दी है। संस्कृत में आदरणीय कमलेश जोशी जी स्वयं अनुवाद कर रहे हैं और मेरा मानना है 20% इसका अनुवाद कर चुके हैं। इसलिए आप देखिए रोटी गंगा बह रही है, पहले संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, अब यहाँ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। और इन्हें स्वयं कहा मैं संस्कृत में अनुवाद करना चाहता हूँ, मैंने कहा संस्कृत में पढ़ेगा कौन, पर इन्हें मैं करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या क्या हो रहा है कि तो ये तभी करेंगे जो उनको बड़ा अंदर से बहुत आनंद मिलेगा, नहीं तो ऐसा काम कोई नहीं करेगा। और क्योंकि अवधि का तो आप विमोचन ऑलरेडी हो चुका है, विमोचन नहीं करेंगे तो पहले विनीता जी से निवेदन करूंगा कुछ मिनटों में अपना अनुभव, ये शब्द इसके लिए सही नहीं है। मैं अभी अपनी पोती के पास से आ रही हूँ तो वो कहती थी कि दद्दू मोटी बुक से कोई स्टोरी सुनाओ, तो मैंने कहा ये बुक नहीं है, इसको बच्ची है 2.5 साल की, हमने कहा मानस कहते हैं इसे। दरअसल यहाँ सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ की शैली में आता है, और ग्रंथ का तात्पर्य क्या होता है, जो मन की ग्रंथियों को खोल दे उसे ग्रंथ कहते हैं। न सिर्फ मन की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, संसार की, और इस संसार से परे जाने के भी ग्रंथियों को जो खोलने की ताकत रखता है उसे ग्रंथ कहते हैं, और ऐसा ग्रंथ है रामचरितमानस। इसको जब अवधि अनुवाद करने की बात आई तो वास्तव में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, पर काम हो गया। कैसे हो गया, ओम जी ने कहा कि हमारी बुराई बहुत होगी, हाँ होगी, तो क्योंकि आपका नाम है ओम प्रकाश गुप्त, ओम का प्रकाश सदा गुप्त ही रहता है। जब राम की कृपा हो जाती है तब उजागर होता है, प्रकट होता है, और उस
उजागर उस उजाले में हम ये अवधि अनुवाद करने में सक्षम हो जाते हैं। अवध तुलसीदास जी, मधु जी भी जानती हैं कि गोस्वामी जी बुंदेलखंड के निवासी थे और उनका दौर, ओम नीरव जी बैठे हैं, मैं उनके सामने ये बोलते हुए बहुत बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि वो दौर ब्रज भाषा में काव्य रचनाओं का दौर था, पर तुलसीदास जी अवधि में राम का चरित लिखते हैं, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि वो राम के क्षेत्र की भाषा थी। और सभी राम कथाओं में रामचरित मानस सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो अवधि अगर लोकप्रिय खाली अवध में होती तो उस क्षेत्र में लोकप्रिय होती, पर कुछ तो है इस पुस्तक में जो ये अवध की सीमाओं को तोड़ती है, भारत की सीमाओं को तोड़ती है और पूरे विश्व की चहेती एक पुस्तक, एक ग्रंथ बन जाती है। अवध का अर्थ होता है, क्यों बन जाती है, दो शब्द कह के मैं अपनी जगह लूंगी कि अवध का अर्थ होता है जहां किसी का वध ना हो, और अयोध्या का अर्थ होता है जहां कोई युद्ध ना हो, अर्थात कोई द्वंद ना हो। तो युद्ध तक तो ठीक है, पर वध ना हो, ऐसा ऐसी जो संस्कृति है यही संसार के लिए सबसे अच्छी संस्कृति है, और इसीलिए जो अवध ही की रामचरित मानस है, और सबसे पहली अवध ही में मैंने इसे पूरा किया, तो ये हेडमास्टर जी की ही कृपा है कि वो मेरे लिए तारीख निश्चित कर दे, कब तक कर देंगी, कब तक कर देंगी, और अगर इस तरह का अनुशासन मेरे ऊपर नहीं चल रहा होता तो मैं इसको निश्चित अवधि में इस अवधि अनुवाद को नहीं कर पाती। धन्यवाद। तो मुझे तकनीक बहुत सीखनी पड़ी, तो रामायण तो मानस को पढ़ी, इसके लिए जो आज मैं लिख पा रही हूँ वो इस अनुवाद को करने के लिए मैंने तकनीक भी सीखी, तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा लाभ हुआ। दो पंक्ति में जो भी खुली है मैं कह देती हूँ कि चलन चहत बन जीवन नाथु, कही सुकृति सन हुई है साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विध कर तब कछु जाई न जाना। वही सोचे लगी कि उनके प्राण नाथ बनकर जावा चाहत है, अब देखो कौने पुण्य कर्मन के प्रभाव ते उनके साथ मिली, कि उनके साथ है तन और परान दोनों जई हैं, कि केवल पराने जई हैं, देखो विधाता का करे चाहत है कुछ पता नहीं चला। जय गांव गांव में हमारी उन माताओं बहनों भाइयों के पास पहुंचे जो अभी भी खड़ी बोली में इतने कंफर्टेबल नहीं है, उनको इस भाषा में ज्यादा आनंद आया, मेरा ऐसा मानना है, सही है कि नहीं? मैं वैसे जन्मा अहमदाबाद में वहीं बड़ा हुआ, पर हमारी जो जड़ें हैं वो ब्रज में हैं, तो हमारे घर में हमेशा ब्रज बोली गई माता पिता के साथ, तो अभी भी हम भाई बहन मिलते हैं तो ब्रज में बात करते हैं, और उसका जो आनंद है, जो रस है, वो खड़ी मुझे तो नहीं आता खड़ी बोली में। ठीक है, बात मैंने समझ में आई कि नहीं लगा? आगे अब बहुत ही मेरे लिए आनंददायक सफर रहा। लोग कहते हैं कि अत्याचार हुआ है, अब राम के काम में अत्याचार कैसा? वहां तो जमवंत बेटे में प्रेरित करने वाले पीछे पीछे कवन सो काज कठिन जग माही जो तुमसे ताक होत नाही, तो वो तो पीछे से प्रेरित कर रहे थे, इस प्रेरणा में अत्याचार का कोई शब्द नहीं है। और दूसरी बात की जिस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं, जिससे मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे जुड़ी थी, उन्होंने ये संदेश दिया कि भोजपुरी अनुवाद करना है, और मैंने अमेरिका की धरती से एक भारतीय के रंग में, भारत के रंग में रंगे हुए, राम के रंग में रंगे हुए व्यक्ति का ये संदेश एक भारत की बेटी को आया हो तो वो छोड़ कैसे सकती है, ये संभव ही नहीं है। तो मैं इसके लिए ओम सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने मुझसे ये कार्य पूरा करवाया। और दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ओम ने बुलावा भेजा हो राम के काम के लिए, और अम्बे उसे पूरा ना करे ये हो ही नहीं सकता। तो ये तीन
भगवान राम की है कि उन्होंने अमेरिका से भारत में बैठे हुए बोध गया कि किसी कोने में व्यक्ति से यह अनुवाद करा डाला और यह ग्रंथ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। भोजपुरी के लोग भी इसे पढ़ेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे, भोजपुरी साहित्य का ग्रंथ हो गया। तो ये हमको मेरी अनुभूति रही। और दूसरी बात की जब मैं इसका अनुवाद कर रही थी तो मैंने इस ग्रंथ को 500 बार पढ़ा होगा, इस चौपाइयों को, समूची चौपाइयों को 560 बार पढ़ा होगा, लेकिन बड़ा आनंद आया हर बार में पढ़ते हुए। हमको लगा कि हम समूचा रामचरित मानस ही पढ़ गए। अभी चर्चा हो रही थी क्या इसमें कुछ छूटा है, मैंने भी इसको 50-60 बार पढ़ा है लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं छूटा है। कथा की निरंतरता लगातार बनी हुई रहती है, जन्म से लेकर के उत्तर कांड तक की सारी कथा क्रमबद्ध है, कहीं भी आपको रिक्तता नजर नहीं आएगी या कुछ छूटा हुआ नजर नहीं आएगा। चाहे वो रावण वध हो, कुंभकर्ण वध हो, मेघनाद हो, सारे युद्ध कांड भी क्रमबद्धता से हैं। मैंने इसको कई बार पढ़ा है, मेरी अनुभूति इसमें यथावत रही है। जैसे वो जैसा मैंने मेरी अनुभूति है वैसा ही मैं बोल रही हूँ। और एक और बात है कि इसमें इस रामचरित भोजपुरी अनुवाद करते हुए कहीं कहीं भोजपुरी शब्दों की कठिनाइयाँ आई, जिसे मैंने अपने घर परिवार से पूछा क्या होगा इसका भोजपुरी में शब्द, इस हिंदी का शब्द। तो कुछ लोगों ने बताया, घर परिवार से भी सहायता मिली, आस पड़ोस से भी सहायता मिली इस अनुवाद को करते समय। एक और बात है कि मैं आपको बता दूं, मेरा यह भोजपुरी अनुवाद अधिकांशतः इसका 60% अनुवाद, 60% अनुवाद मैंने ट्रेन में किया है। जब मैं बोध गया से सासाराम और सासाराम से बोध गया अप डाउन करती थी, मैं बोध गया में सहायक प्राचार्य हूँ और सासाराम में मेरा घर है, 1.5 घंटे की दूरी है। छुट्टियों में मैं चली जाती हूँ, शनिवार को और सोमवार को चली जाती हूँ। इसी दौरान अप डाउन में मैंने इसका 70-60% अनुवाद किया है, उस 1.5 घंटे की अवधि का मैंने सदुपयोग किया है। तो मुझे इससे दो बातें सीखने को मिली, एक तो धैर्य के साथ इतना अनुवाद, मतलब कि कठिन काम हो जाए यदि धैर्य रहे तो कठिन काम भी आसान हो जाता है। दूसरा समय प्रबंधन, मैं समय प्रबंधन को भी सीख गई कि जिस रेलवे यात्रा को जिसको लोग फालतू समय समझते हैं उस पर इतना बड़ा काम हो सकता है। तो ये सारी बातें इस भोजपुरी अनुवाद के अनुभूति का मेरा विषय रही। और एक बात, ये सूक्ष्म लोग हैं या फिर जो भी हो, मैं भोजपुरी अनुवाद के समय में मुझे भगवान राम का स्वप्न भी आया है। मैंने सोचा कि इसके शेयर ना करूं लेकिन जो मैं कह देती हूं क्योंकि अभी एक अनुभूतगत विषय ही है। तो इस तरह से यात्रा आनंदमय रही और पूरी तरह से आनंदमय रही, इसमें कहीं कोई अत्याचार नामक कोई शब्द नहीं है, बड़े ही आनंदपूर्ण यात्रा रही। और मैं इस तरह की यदि यात्राएं राम के साथ हों तो यात्रा मंगलमय और आनंददायी रहेगी। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद। एक है कि वो जनक की प्रतिज्ञा के संदर्भ में हम सुना रहे हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वह देही, बिनहि विचार बरहि हठि तेहि। मैंने भोजपुरी में अनुवाद किया है, त्रिपुरारी शिव जी के ई कठोर धनुष के, राजा सबके ई समाज में जे कोई भी आज तूड़ी, तीनों लोक के विजय के साथे राजकुमारी सीता बिना कौनो सोच विचार के निश्चित रूप से ओकरा से ब्याह कर लन। धन्यवाद। अब आप डील ही करो, ये जैसे आप डील करो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अम्बे जी, उन्होंने बड़ी बड़ी धैर्यता से और करने के बाद में अरे सर इसमें एक इसमें मुझे और परिवर्तन करना है, इसमें और परिवर्तन, मतलब कि परफेक्शन के ऊपर ये सभी लोगों का कि अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ कमी बेसी है, यहाँ कमी बेसी है। और मैं तंग हो गया, इन्होंने एक्चुअली उल्टी बात की, इन्होंने मुझे बहुत और मैं कितनी बार पढ़ूंगा उसको, तो जितनी बार उन्होंने पढ़ा उतनी बार मुझे पढ़वाया है। वैसे मैंने पढ़ा नहीं है पर इनको ये अनुभूति दी, मैंने पढ़ा है। चलिए अब चलते हैं सीता मैया के गांव में मिथिला में, और वहाँ की भाषा में मैथिली, और मैथिली का अनुवाद किया है आदरणीय निगम झा जी।
और वो स्पेशल बात नहीं है। आइए सरोवर में डुबकियां लगाते हुए मैं स्वयं को धन्य मान रही हूँ और मैं शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती कि इस मैथिली बोली को जो सीता जी के प्रदेश की भाषा है और मैं वहीं की रहने वाली हूँ उसको अपने हाथों में लेकर मुझे कितनी खुशी हुई। अपनी बात को अपने अनुभव को बताने से पहले मैं थोड़ा सा अनुवाद पे प्रकाश डालना चाहूंगी। रामचरितमानस और रामायण के बारे में बोलना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी, सूरज को प्रकाश दिखाने के समान होगा। तथापि मुझे ऐसा लगता है कि अनुवाद अभी तक श्री रामचरितमानस का काफी भाषाओं में हुआ है। अवधि जो भाषा है वो एक खास प्रदेश की भाषा है जिसको तुलसीदास जी ने अपनाया और आदरणीय विनीता मिश्रा जी ने बताया कि वो आज जन जन की भाषा बन चुकी है, वैश्विक भाषा बन चुकी है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है। लेकिन अवधि आज भी पूरे विश्व के लोगों की भाषा नहीं है, तो अनुवाद कार्य तब तक आवश्यक है जब तक पूरे विश्व के लोग किसी एक ऐसी वैश्विक भाषा का निर्माण या ऐसी वैश्विक भाषा का चुनाव नहीं कर लेते जिसे सब लोग बोल सकें और सब लोग जान सकें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिर्फ भारत की ही परिधि में नहीं, विश्व स्तर पर विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद आवश्यक है। और इसीलिए मैं अभी तक इन लोगों ने जो अपना अनुभव बताया मैं उससे परे नहीं हूँ। सचमुच ये तो जो आत्मानुभव अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है और मैं क्या कहूँ, अनिवर्चनीय है। बहुत ही खुशी हुई, अपार संतुष्टि हुई, आनंद की अनुभूति हुई। और मैं कभी कभी तुलसी रामचरित श्री रामचरित मानस हमारे घरों में होता ही है, इनकी चौपाइयों से अपने दिन की शुरुआत होती है, सुनती थी। पर मैं बहुत ज्यादा उसमें, अगर कहूँ कि मैं उसमें बहुत लीन नहीं रहती थी। हाँ ठीक है, अच्छा है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, सुन लेते हैं। अनायास ही कुछ चौपाइयाँ मन में चलती रहती थी, उसके अर्थ जानती थी। लेकिन ये जो अनुभव हुआ अनुवाद के दौरान वो तो अपूर्व था, क्योंकि फिर इस बहाने मैंने श्री रामचरितमानस को पढ़ा। और जैसे आज हम यहाँ गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं तो कभी जैसे बचपन में घर में आते थे कुछ लोग और बातचीत होती थी तो मैं अपने मन में सोचती थी इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। माता पिता पीछे से कहते थे कि आपको पता है अपने घरों में होता है कि देखो ध्यान दो, तो मुझे लगता था इतनी मोटी किताब इतना कौन पढ़ेगा, कहानी सुना दो, कहानी सुना दो बस। तो बड़े लोगों से कहानियां सुनती थी, तो ये विचार मेरे मन में आता था। बाद में भी जब हम ऐसी गोष्ठियों में मिलते थे और जब मैं थोड़ी परिपक्व हुई और मुझे लगा कि अपनी भाषाओं का, खास करके अपने जो रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं इनको लोगों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो मुझे कभी कभी अपने मन में अपने आप से प्रश्न उठता था कि इतनी मोटी किताब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कहो, अपनी बातों को जैसे संक्षेपण प्रक्रिया है और उसमें हम 100 शब्द को 30 शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं, उसको सीखते हैं। तो इतनी मोटी किताब को पढ़ने के लिए कितना धैर्य चाहिए। और फिर आज जो दाल रोटी की जद्दोजहद में जो आम भारतीय लगा हुआ है इससे हम सब बेखबर नहीं है, हमें पता है। तो किसके पास इतना समय है इतनी मोटी किताब पढ़ने की। और पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा आश्चर्य ये लगता है कि हर एक बात को लेकर उसको इतना मंथन करते हैं, इतना मंथन करते हैं कि एक समय के बाद लगता है कि क्या हो रहा है। तुलसीदास जी ने जब बात कही हम में से कोई जीवित नहीं थे, उन्होंने अपने संदर्भ में अपने काल के अनुसार कही होगी। वाल्मीकि जी ने कहा जाता है उन्होंने आंखों देखा रामायण देखा था, तो उन्होंने अपने हिसाब से वर्णन किया। और हम लोग जो थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं हम कौन होते हैं उनके प्रश्न चिन्ह लगाने वाले। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हम उनको पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। तो ये सब सोचकर जब आदरणीय राम ओम प्रकाश सर ने, मैं उनको सर कहती हूँ पता नहीं क्यों, मैं उनको जी और वो लगाने में मुझे पता नहीं क्यों, मुझे वो ऐसा लगता है कि मेरे शिक्षक हैं, गुरु के रूप में मैं उनको अपने आप ही अनायास ही होता है। तो उन्होंने जब चर्चा हुई कि मैथिली में अनुवाद करना है तो फिर से मुझे सोचने का अवसर मिला कि करूँ मैं, मेरे से हो पाएगा क्या। और जब शुरू किया
तो समय का पता ही नहीं चला और बस मेरे घर वाले कहने लगे कि तुझे हो क्या गया, तो पूरे समय एक कमरे में बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता था कि मुझे लगता था मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मुझे इसको पूरी अच्छी तरह समझ कर करना है। और एक दो बातें मैं बताना चाहूंगी अनुवाद के संदर्भ में, क्योंकि जो हमारी आत्मानुभूति है वो तो किसी से अलग नहीं है, लेकिन अनुवाद बहुत आवश्यक है। यहाँ पे मैं कहूंगी, जब भी किसी ऐसे ग्रंथ की बात की जाती है जो शुभत्व और शिवत्व की राह दिखाकर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करे, देश काल से टूटे परेशान मनों को संबल प्रदान कर सके, या फिर मानवीय एकता में रोकने वाली भौगोलिक और भाषाई दीवारों को ढहाकर विश्व मैत्री को और सुदृढ़ बना सके, तो सर्वप्रथम हमारे मानस पटल पर श्री रामचरित मानस का नाम आता है। कहा गया है, चार वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब नथन को रस, अर्थात चारों वेद 18 पुराण छह शास्त्र शेष सभी ग्रंथों का रस श्री रामचरित मानस है। इस ग्रंथ में निहित तुलसी का दर्शन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के माध्यम से शरीर, मन, प्राण, बुद्धि और आत्मा का ये विकास का साधन है। प्रश्न उठता है, इसका अनुवाद क्यों आवश्यक है, क्योंकि पूछने वाले आज भी पूछते हैं, इतने लोगों ने कर लिए, देश में किया, विदेश में किया, फिर वही बात क्यों कह रहे हो, बार बार एक ही बात क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में निहित मूलभूत आदर्श के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का अचूक साधन अनुवाद ही है। रामचरितमानस के संदेश को केवल भारत में ही सीमित स्वीकृत करना इस महान ग्रंथ के साथ अन्याय होगा। इस ग्रंथ में समन्वय, सार्वभौम, मानवता के सूत्र बिखरे पड़े हैं, जिसकी प्रासंगिकता जब ये लिखी गई तब थी, आज है और भविष्य में भी रहेगी, और इसी दृष्टिकोण से इसके अनुवाद की आवश्यकता बढ़ जाती है। मैं उस जनश्रुति का उल्लेख करना चाहूंगी जो कि इससे संबंधित है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम, मुझे नहीं ज्ञात है इसके ये कितना सत्य है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, उल्लेख करना उचित लगा इसलिए कह रही हूँ, कि तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ का अनुवाद इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया तो उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रारंभ किया, लेकिन होता ये था कि वो रात को लिखते, दिन में लिखते थे, रात को जब सोते थे अगले दिन पुनः वापस आकर देखते थे, तो पहले दिन लिखी हुई सारी चीजें उन्हें अदृश्य मिलती थी। तो ऐसा कई दिनों तक चला और तुलसीदास थोड़े से परेशान हो गए। तो इसी रात्रि में, इसी तारतम्य में, एक बार रात्रि के समय भगवान शिव ने उन्हें बताया कि तुम किसी ऐसी भाषा का चुनाव करो जो जन जन को समझ में आए, और फिर तुलसीदास जी को समझ में आया कि इसका अनुवाद मुझे ऐसी भाषा में करना है जो सभी समझे, और उन्होंने अवधि का चुनाव किया। यहाँ पे ये बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसके 3000 वर्ष पहले श्री वाल्मीकि जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की थी, पर वो रचना उन्होंने संस्कृत में की थी। आज भी वो आदरणीय है, पूजनीय है, बेमिसाल है, लेकिन संस्कृत हम सबकी भाषा नहीं है, हम भारत के होते हुए भी हम सब संस्कृत नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इस ग्रंथ का जो अनुवाद है वो करना, और खास करके बोलियों में करना, अन्य जितनी भी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो हम, जिनको हम जानते नहीं है, उनमें भी करना बहुत ही आवश्यक है। आज भी अवधि विशेष महत्व रखती है, परंतु इसे हर व्यक्ति तक पहुँचाना सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। हालांकि देश विदेश के कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कार्य किया जाना है। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले अनुवाद नहीं हुआ, अनुवाद हुआ है। महाराज अशोक ने जब बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान, यूनान, सीरिया, मेसिडोनिया, पर्शिया, चीन, जापान, श्रीलंका, अन्य राष्ट्रों में अपने दूत भेजे, और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उस सामग्री को उन राष्ट्रों की भाषा में अनुवादित करवाया। तो यहीं पे आवश्यकता पड़ती है कि भारत जैसे भारतीय जो संस्कृति है, जो सामाजिक सामासिक संस्कृति है, जिसका हजारों वर्षों से विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों की जिसमें साधना छिपी हुई है, आज जब हम पुनः वैश्विक पटल पर भारत को सोने की चिड़िया बनाकर राम राज्य लाना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि हम उस सांस्कृतिक विरासत और उसके में निहित ज्ञान को के अथाह संसार के अथाह सागर के बारे में दुनिया को बताएं, और जो हमारी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हमारा वेद वाक्य है, उसको वास्तव में चरितार्थ करें। तुलसी की भक्ति आंखें मूंद कर भगवान के पीछे नहीं चलती,
उनकी भक्ति जो है पहले अपने भगवान को भी कसौटी पर कसती है, जांचती है, मापदंडों पर परखती है और तब जाकर सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर करती है। तुलसी के पैमाने पर भगवान भी तभी भगवान है जब वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस प्रकार यह ग्रंथ हमें विवेक पूर्ण कार्य करने की सीख देता है। और यही ये जो बात है ये मुझे आज के युवाओं को समझाने की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि युवा हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, आंकड़ों तथ्यों प्रमाणों के आधार पर परखता है, तो हर दृष्टि से ये जो ग्रंथ है ये सटीक बैठता है। इसलिए इस ग्रंथ का अनुवाद आवश्यक है। जरा सोचिए, अगर अनुवाद नहीं होता तो हमारी स्थिति कुएं की मेढक जैसी नहीं होती, हमारे ज्ञान कितना कम होता। आज विभिन्न भाषाओं के अनुवाद के द्वारा ही हम इस संसार में अथाह ज्ञान से परिचित होते हैं और वो स्थिति निश्चय ही उस स्थिति से बेहतर है जो अनुवाद न होने के कारण हुआ होता। मैथिली भाषा में जो मैंने अनुवाद किया उसमें मुझे सर ने कहा टॉर्चर किया, मैं उसको अत्याचार बिल्कुल ही मानती हूँ। हाँ, कुछ मानकीकरण के संदर्भ में चुनौतियाँ मुझे महसूस हुई, अभी समय नहीं है, वरना मैथिली में जैसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ही वेंट, उसको मैथिली में सात प्रकार से बोला और लिखा जाता है। तो यहाँ मेरे समक्ष चुनौतियाँ आई कि मैं किसका किसको सही मानूँ, और वहाँ पे फिर मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं थे आसपास जिनको मैं बहुत ज़्यादा पूछूं, क्योंकि बहुत कम लोग इसे पढ़ते हैं। तो और भाषा के रूप में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ये पहले था, अभी मुझे ज्ञात नहीं है कितने यूनिवर्सिटीज़ में है। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, आदरणीय राम मल्लिक जी ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया, और इस संदर्भ में मैं आदरणीय विनीता मिश्रा जी का भी धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जब मैंने शुरुआती दौर पर अनुवाद कार्य शुरू किया तो मुझे ये बहुत असंभव लग रहा था। फिर मैंने इनसे बात की और इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं अंत में यही कहूँगी कि इसका अनुवाद करके विश्व की अधिकाधिक भाषाओं में हमें दुनिया को बताना है कि हमारे राम मर्यादा की शान और हमारे अभिमान है, हमारे राम मर्यादा की शान और हमारे अभिमान है, हमारे राम आदर्शों के प्रतिमान और भारत के दिलमान है। तब राम मिले तुलसी की चौपाइयों में, आज मिलेंगे उन चौपाइयों में नीत भाव पर अमल करने में, तब मिले वे रघुकुल की नीति निभाने में, आज मिलेंगे माता पिता की सेवा करने में, तब मिले थे राम भरत हेतु निज सिंहासन तजने में, आज मिलेंगे राष्ट्र धर्म निभाने में, तब मिले थे हनुमान के हृदय में, आज मिलेंगे परहित करने में, तब मिले थे रावण को मुक्ति दिलाने में, आज मिलेंगे वे सहारों को सहारा दिलाने में, राह दिखाने में, मेरे राम भारत के प्रतिमान हम सबके दिनमान हैं। इसी के साथ आप सभी से अनुरोध करूंगी जहां तक हो सके इसे जिस भाषा में अनुवादित कर सके अवश्य कीजिए। और अंत में मैं फिर से उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। सिया राम सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जो रूपाणी। आप लोगों ने मुझे अपना मंतव्य साझा करने के लिए समय दिया और मुझे पता है कि अभी सबको भूख लगी होगी और फिर भी मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सर आपके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत स्वयं को क्या कहूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है सरस्वती लक्ष्मी और काली तीनों का रूप समाहित करती हैं सीता जी। शुरुआत हमारी जो मैथिली की जो गीत है उससे थोड़ी सी दो पंक्तियाँ सुनाऊंगी। जय जय भैरवे असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया गोसाउनी, अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरव अवधी भाषा में लिखी गई है ये, हिंदी में मैथिली में इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिनक मात्र स्मरण कैला सब मनोरथ सिद्ध हुई छे, जे गणक नायक छथी और जे सुंदर हाथी सन्मुख वाला छथी, एहन बुद्धि के भंडार आ शुभ गुणक धाम, श्री गणेश जी महाराज हमरा पर कृपा करो और ए सभा में जत्ते लोग छे सब पर कृपा करो, सब एठम उपस्थित रहे था क्या तो उनका मन में राम के प्रति प्रेम छे,
राम तो प्रति प्रेम का उनका हृदय मस्तरीखर बने में रहो। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम आभार। मैंने अपना निवेदन करूंगा कि इसकी जो प्रस्तावना में है, मैंने एक पैराग्राफ क्या दो पंक्तियां लिखी हैं ये क्लियर करने के लिए कि कंफ्यूजन नहीं हो। विद्वान पाठकों से मेरा कल्पवत निवेदन है कि इस संक्षिप्त रामायण को गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरित मानस का पर्याय कर दे कदापि ना समझे। ये रामचरित मानस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये 2 मिनट्स मैगी नहीं है, दाल भात चावल तो हमें अभी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कोई भी रचना रामचरित मानस का स्थान ले सकती है। मेरी एकमात्र आशा है कि आप इस संक्षिप्त रामायण से प्रेरणा लेकर संपूर्ण रामचरित मानस पढ़ने का आनंद अवश्य लेंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस इज टू इनकरेज मोटिवेट। हमारे बच्चे इसको पढ़ के बोला रहे यार, बहुत बढ़िया किताब है, मैं पूरी किताब पढ़ना चाहता हूँ। दैट इज द रियल स्पिरिट ऑफ दिस बुक। इसे स्पिरिट भी ये अंग्रेजी में लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप है, बच्चों में लॉलीपॉप दें और उसको कहें यार बेटा इतना तो पढ़ रहे। अब बच्चे थोड़ी बहुत माँ की इज्जत करते हैं आजकल, मोटी किताब को नहीं पढ़ेंगे, नहीं डैडी मैं नहीं पढ़ूंगा, मम्मी मेरे पास क्या टाइम है, तो इसके लिए पढ़ लें बेटा कोई बात नहीं, तो शायद पढ़ ले और हो सकता है उसको चस्का मिल जाए कि अरे तो मैं तो पूरी किताब पढ़ना चाहता हूँ। दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड दिस बुक, द स्पिरिट दिस इज नॉट द एंड। तो इसका थोड़ा सा मन में भ्रम नहीं होना चाहिए कि अरे अरे ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं है। दिस इज जस्ट इंस्पिरेशन फॉर आवर चिल्ड्रन टू लर्न। कल एक श्लोक की रामायण पर बात हुई, हमारे यहाँ तो जैसे श्लोक की भाग हुआ एक श्लोक पूरी रामायण पढ़ने लगना, 24,000 श्लोक कौन पढ़ेगा, एक श्लोक की रामायण पढ़ लो कोई बात नहीं। उनको बता था कि हम लोग बड़े आलसी हो जाएंगे, पूरी रामायण नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया जो मनुष्य 5 और 7 चौपाइयों को भी अपने हृदय में धारण करता है उसको 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों से श्री राम जी मुक्त कर देते हैं। तो ये तो सब कोई नई बात नहीं है, उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गढ़वाली मैंने कहा था अपनी घरवाली को कि आप करो ट्रांसलेट, बोले वो गढ़वाली से करवाई है। गढ़वाली कोशागढ़ और कुछ बोलिए, बात हो गई। अब आते हैं हम जो हिंदी से अलग भाषाएं भिन्न भाषाएं उनके अनुवाद। तो अभी बांग्ला अनुवाद के लिए मैं काजी जी कहा लेकिन विश्वायन के इस युग में मैंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को बड़े चाव से गले लगा। भाषागत अनुवाद जो एक अलग सृष्टि मानी जाती है, मैं आज उसी पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगी और जिसका श्रेय मेरे बहुत ही परम मित्र बोले या भाई बोले कुछ भी बोले श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को जाता है, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। बांग्ला भाषा तो रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा है, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र सभी बंगाल के रहने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये रामचरित मानस जो ओम प्रकाश जी का इतना बड़ा कृतित्व है, इसको क्यों ना मैं बंगाल में भी फैलाऊं, मतलब बंगाल में भी इसको स्प्रेड करूं। ऐसे तो मैं हूँ रिटायर्ड सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश टीचर और ऐसे मैं बहुत सारे ट्रांसलेशन भी कर चुकी हूँ और आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर आल्सो, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य महसूस हुआ मुझे और मैंने उनको स्वीकृति दे दी
और मैंने उनको बहुत सताया, उन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया, मैंने ही उनको बहुत सताया, क्योंकि बात ये थी कि इस प्रसंग को, ये रामचरित मानस को का जो ग्रेविटी है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू रामायण एंड द टॉपिक हैज इट्स ओन ग्रेविटी. सो मैंने सोचा कि इसको प्योर ओरिजिनल बंगाली फॉर्म, जिसे हम शुद्ध बंगला भाषा कहते हैं, उसमें लिखें. तो मैंने उसी को अपनाया और फिर उसमें उसको करने के जब मैं आई वॉज डूइंग इट, तो उसके लिए मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि बंगला भाषा में अगर शुद्ध भाषा को मैं, जो कोलोक्वियल बंगाली लैंग्वेज है जिसको हम चोलती भाषा बोलते हैं, वो उससे अगर मिक्स करते हैं तो दैट इज नोन एज गुरु चंडाली दोष एंड दैट इज अ बिग फ्लॉ व्हेन आई एम ट्रांसलेटिंग समथिंग फ्रॉम अनदर लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज. तो इसके लिए जब मैंने इस बुक को रिव्यू के लिए भी भेजा, तो मैं बहुत ही, आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी to get the comments from the retired professor of Bengali literature and comparative literature of Calcutta University. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर इसको चलती भाषा में करती तो that would have been more appropriate. लेकिन मैंने subject और topic का seriousness के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और उस मैंने उसे शुद्ध भाषा में ही निबद्ध किया. और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण काम है कि सभी बच्चों तक ये रामचरितमानस ओम जी का ये कृतित्व सबके पास पहुँचे. और अभी तो ये दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसमें ये लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस and also crossing the boundaries of culture, that is very important, because you know knowledge is power but culture is its sheen. Gyan jo hai wo shakti hai lekin sanskriti uski duty hai. To Om Prakash Gupta ji ne, shradhe Om Prakash Gupta ji ne isko karke isko hazaron hazaron mil tak phaila diya, न केवल देश में बल्कि विदेश में तो है ही, और देश में भी, हमारे देश में तो देखिए हिंदी में भी इतनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो इंग्लिश में भी है. मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ. मैं कुछ दिन के लिए बहुत पहले, इट वॉज इन 1984, मैं अपने हस्बैंड के साथ लंदन गई थी. तो मैं अंग्रेजी की हूँ, सब कुछ हूँ, तब तो मैं वो नहीं, सर्विस नहीं करती थी, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान था. लेकिन हर जगह की बोली, हर जगह का एक्सेंट इज टोटली डिफरेंट. तो वहाँ पे एक जगह हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड तो चले जाते थे अपने काम पर और मैं बच्चों को लेके अंदर रहती थी घर में. तो उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि यू डोंट हैव टू ओपन योर डोर्स टू एनीबडी बिकॉज दिस इज टोटली एन अननोन प्लेस टू अस. और लंदन में हम लोग थोड़ी आउटस्कर्ट्स में ही रहते थे. तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे वो शीशा लगा हुआ दरवाज़ा था और कोई आके, एक बहुत तगड़ा गोरा सा आदमी, इतनी बड़ी बड़ी काली मूछे, वो आके वो नॉक करता है और बार बार बोल रहा है, व्हाट व्हाट मित मित. एंड आई वाज टोटली अनेबल टू नो दैट व्हाट ही वाज सेइंग. देन वन ऑफ माय नेबर्स वाज देयर एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट इट इज वाटर एंड ही हैज कम टू एसेस. एक्चुअली वो मीटर नापने के लिए आया था, जो पानी वो वहाँ पे उस समय
कोई था कुछ उनका टेक्निक उसी से आता था और वो मीटर पे वो लोग नापते थे। तो ऐसी तो हालत है, तो इसीलिए हमारे देश में भी तो इतनी सारी भाषाएं हैं, तो बंगला भी उसमें से एक है और बंगला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो राम जी का इतना अच्छा जो वर्णन इस रामचरितमानस संक्षिप्त रामचरितमानस में है, उसको मैंने करने की कोशिश की और मुझे थोड़ा अकबकासा भी लग रहा था कि क्या जाने मैं कर पाई या नहीं, तो इसके लिए मैं हार्दिक आंतरिक रूप से आभारी हूँ श्री ओम दुर्गा जी का। और ये मैं अपनी छोटी सी पोएम से अपना बात रखना चाहती हूँ। A petty published author am I, जिसकी उच्चाशा छूटी है ऊंचाई, जिसकी उच्चाशा छूटी है ऊंचाई, जो रखती है विश्वास सीखने में और करने में, I mean learning by doing, और प्रयत्न करती है सबों के हृदय को छूने में। उच्चाशा मानो है अंगार, उच्चाशा means ambition, is like polar, it is मानो अंगार, पर मेरे लिए वो है एक शिकार, शिकार means prey, जिसको हम लोग शिकार करते हैं। Hunting translation is not a child's play. Hunting translation is not a child's play. You butt or rebut, it is the reader's way. You butt or rebut, it is the reader's way. So I just request my readers to just ignore my flaws and just to overlook my mistakes, if any. And I am once more very much indebted to our Om Prakash ji and for his eternal cooperation and support. And last but not least, thank you all for bearing with me for so long. Thank you. Jo sumirat sudhi hoi gar nayak karivar vatan karau anugrah soi buddhi राशी शुभ गुण सगर, जहाँ नाम जप करिले सर्वकार्य सिद्ध हय, जहाँ मस्त सुंदर हस्तिर मुखमंडल द्वारा सुशोभित एवं जिनि ज्ञान एवं स्वर्गीय गुणावलीर अधिकारी, आमि सेई प्रभु गणनायक गणेशेर आराधना करिया ताहार आशीर्वाद कामना करि। जो चौपाइयाँ जो हैं उनको भी इनको बांग्ला में लिखना पड़ा, तो अगर उसको हम हिंदी में लिखेंगे तो बांग्ला लिखने तो पढ़ नहीं पाएगा। सो दिस इज आपका दिखाई दे, इफ दे हैव टू राइट दिस एंड चेक एवरी वर्ड इन बांग्ला। सो बाकी लोग सब सिंगल टॉर्चर दिस डबल टॉर्चर। थैंक यू सो मच। मलयालम और 15-20 ऑप्शन है, तेलुगु मलयालम बांग्ला फ्रेंच चाइनीज, तो ये तेलुगु भाषा में अनुवाद है। हाँ तो कामेश्वरी जी तो तेलुगु ही होगा, तो तेलुगु अनुवाद है और इसको आप आदरणीय डॉक्टर कामेश्वरी और उमा शर्मा जी ने किया है, जॉइंट प्रोजेक्ट है इनका। और तेलुगु बहुत चल रहा है, दिस इज प्रैक्टिकल रियलिटी, सब ईसाई में सब हो जाए तो वी कुड नॉट फेल। और काला अक्षर मैच बराबर हिंदी में, इसको हिंदी में इसको हिंदी लोग हिंदी भाषी को कहेंगे काला अक्षर मैच बराबर जलेबी वाली बात। ये भी डबल टॉर्चर है। हाँ जी, ये भी डबल टॉर्चर, ये ट्रिपल टॉर्चर है। साइज और साइज भी बदलने पड़े कि हमने ट्राई किया, कोई बनिया वाली बात इतने भी हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। एक गाइड की आवश्यकता होती है ना,
तो आजकल फेसबुक में इधर उधर जब भी हम लिखते हैं तो पुस्तक लिखने के लिए 20 दिन में हम लिख सकते हैं, 30 दिन में लिख सकते हैं, ऐसे कुछ विज्ञापन हम देखते रहते हैं। तो मैं ही सोचती हूँ मुझे पीएचडी के अलावा और एक गाइड या मार्गदर्शक मिल रहे हैं पुस्तक लिखने की कला के लिए, डॉक्टर ओम जी। और इसके लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर उषा श्रीवास्तव से, क्योंकि उसी के सहारे मुझे ह्यूस्टन नगर में रहने वाले डॉक्टर ओम जी से मुलाकात हुई। और इस दौरान हमारे अनुभव के बाद जब आती है तो जैसे मेरी मातृभाषा तेलुगु है, 30 साल के से मैं बैंगलोर में यहाँ कन्नड़ भाषा से ज़्यादा संपर्क रखती हूँ, रोजमर्रा जीवन में कन्नड़ भाषा में बात करना पड़ता है। तो ऐसे समय में जैसे तेलुगु भाषा में कहानियाँ लिखती हूँ या थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन अनुवाद का काम कर रही थी, मगर उषा जी ने जब इस बात के लिए मेरे पास आई तो मैंने जैसे मैं ये काम कर सकती हूँ और रामचरित मानस और मैं साधारण भूमा शर्मा बिल्कुल नहीं, तो मैं सोचने लगी, तो मैं गिलहरी जैसे मैं अपने आप को सोच रही थी, मगर आज आप जैसे गुणी जनों के सामने गिलहरी के मुट्ठी में रेत कण से भी थोड़ा अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और मैं इस बात को आप एक वाक्य से बताना चाहती हूँ, जैसे पिछले साल 2022 में श्री राम नवमी 10 अप्रैल को आया था, आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और कामेश्वरी को लास्ट मैसेज कर मैं उस दिन सोने के लिए गुड नाइट के बाद मैं सो गई, क्योंकि 9 तारीख को 11:55 बहुत श्री राम नवमी से पहले एक्शन के पहले मुझे कंप्लीट करना था, इतना एक एडमेंट नेचर वाली एक लेडी हूँ। तो मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट के रूप में मैं कहना चाहती हूँ, इज वेरी फर्स्ट ड्राफ्ट, उसके बाद जो शुगर केन जैसा जो काम चला वो बात अलग है, बहुत कुछ एडिटिंग वर्क हुआ। और एक खास अनुभव बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ जितने भी लैंग्वेजेस हमें पता है वो सब पगडंडिया जैसे हैं, छोटी मोटी एक पगडंडिया, एक तेलुगु में बात करते समय तेलुगु का एक ट्रैक ओपन हो जाता है, कन्नड़ में बात करते समय कन्नड़ का, पता नहीं कन्नड़ भाषा से जुड़कर मुझे मेरी भाषा में तेलुगु भाषा में कुछ ऐसे शब्द अनायास ही कन्नड़ के आ गए थे, जो बिल्कुल जब तक कामेश्वर ने मुझे व्हाट्सएप करने के बाद तब तक मुझे पता नहीं चला कि वो कन्नड़ भाषा के शब्द है, तेलुगु में मैं बिखर चुकी हूँ। तो ऐसी कुछ त्रुटियों को भी एडिटिंग के दौरान कर लिए, और एक पुस्तक लिखने की कला को पहली बार हम दोनों ने ओम जी के साथ सीखा। एक एक वाक्य नहीं पढ़ते, एक शब्द नहीं पढ़ते, एक एक वर्ण को पढ़कर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं उनको हृदय तल से आभारी हूँ, और सब लोगों को मैं फिर से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। नमस्कार। हमारा मैरिज डे है रामनवमी को, तो मैं दीदी उस दिन मैं सबमिट कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है सबमिट कर दूं, उसने तो कर दिया अपना काम एकदम समय के अनुसार। जब मेरे पास आई किताब थोड़ी देर के, जैसे हम कहते हैं ना कि किताब बंद थी बस उसको रखे रहे, तो फिर ओम जी भी देख रहे हैं कि इस पर कोई बात तो हो नहीं रही है, कामेश्वरी जी कर ही नहीं रही है, तो अल्टीमेट वो अक्टूबर के महीने तक बेचारे चुप रहे, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद बोले कामेश्वरी जी लगता है आप जो भी आप जिसमें भी व्यस्त थी वो सारे काम आपके संपन्न हो गए, अब थोड़ा राम जी की भी सेवा कर लीजिए। मैंने कहा हाँ जी सर जरूर, तो कब तक है टारगेट, तो बोले मैंने इतने आराम से मैंने बोल दिया कि दिसंबर दिस ईयर 31st I will सबमिट। तो बोले अच्छा ठीक है बहुत वेरी गुड। तो बोले कि फिर भी अपनी तरफ से मैंने बोला मैं जनवरी संक्रांति तक आपको समय दे देता हूँ। मैंने कहा ओ 50 डेज कुशन टाइम मिल गया मुझे, बहुत अच्छी बात है। तो जब नवंबर के महीने में जब अल्टीमेटम हो गया, उसके बाद जब मैंने ड्राफ्ट निकाल के देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो है, कुछ कहीं कुछ ये है कि फ्लॉज है, उसको हमें उस जैसे कहते हैं ना खाना पूर्ति करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे उमा बता रही थी कि प्रांत का भी एक प्रभाव होता है, मातृभाषा का प्रभाव होता है और फिर हिंदी का प्रभाव है, और खुद हम क्योंकि तेलुगु भाषी हैं लगता है कि सब कुछ ठीक है परंतु बहुत कुछ ठीक नहीं होता है। तो फिर एक बार मैंने बोला कि उमा यार तुम्हारे इसमें ये कन्नड़ा के शब्द क्यों आ जाते हैं, तो बोले दीदी आते हैं क्या, मैंने बोला हाँ भयंकर आते हैं,
तो बोली भाई फिर आप ठीक कर दो। मैंने कहा हाँ ठीक कर लूंगी। फिर करते 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 एक बार मैंने बोला अपने पतिदेव से कि जरा आप ड्राफ्ट पढ़ के देखो आपको कैसे लग रही है, जबकि मैंने 3-4 बार में उसको रिव्यू कर चुकी थी। तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं जो तुम्हारे इससे पहले तुमने जो अनुवाद किया था ऋग्वेद संहिता वैसे नहीं है ये। मैंने कहा ये ऐसे नहीं है, अब कंपैरेटिव स्टडी तो अपने खुद से भी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा फिर एक काम करते हैं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे त्रुटि लगे वहां पे त्रुटि लगे, हर जगह ऐसे लग रहा है जैसे पूरा पता नहीं क्यों हम लोगों ने ये ट्रांसलेशन शुरू किया। December 31st गुजर गया। तो फिर हमने कहा ओम जी जैसे आपने दिया समय अब ये जनवरी का संक्रांति तक हम दे देंगे। बोले ठीक है। फिर उस पर हम काम करना शुरू किए। अब दिन रात चौकनी करनी पड़ी। तो सतर्क होके जब काम शुरू किया हमने तो सबमिट कर दिया हमने संक्रांति के टाइम की ओम जी ये लीजिए। फिर हॉस्टल में बैठा हुआ जोहारी जो तेलुगु का न अक्षर जानता है न वर्तनी समझता है न एक्सप्रेशन समझता है वहां पे बैठा हुआ देख रहा है पूरी दूरबीन लगा के। फिर बोले ये आपने ऐसा क्यों लिखा वो वैसा क्यों लिखा। मैंने बोला कि बाप रे ओम जी जिनको तेलुगु आती नहीं है उसने हमें काम सौंपा, अब इसकी बारीकियां निकल रही है, ऐसा काम हमें नहीं करना है। फिर मैंने कहा ओम जी मुझे दे दीजिए किताब, मैं फिर से इसको रिफाइन करूंगी। आप विश्वास नहीं करोगे शिव जी यहाँ पे नहीं है, शिव जी को थोड़ी बहुत तेलुगु आती है जी हाँ है। तो उनको थोड़ी बहुत तेलुगु आती है, उन्होंने कहा कि थोड़ा आप देख लीजिए। फिर मैंने देखना शुरू किया फुल स्टॉप और कॉमा और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे वो हाँ एक जगह फिर बोलते हैं उद्धरण चिन्ह जो हिंदी वाले में है वो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में है, आपने उसको डबल वाले में किया है, इसका क्या अर्थ है, तेलुगु में क्या अलग अर्थ होता है, हिंदी में तो ये अर्थ नहीं है। मैंने कहा नहीं ओम जी जहाँ पे भी है भाषाओं में उद्धरण चिन्ह तो उद्धरण चिन्ह है चाहे डबल हो या सिंगल। फिर उन्होंने बोला फिर आप देखिए। मैंने कहा फिर मुझे दीजिए वापस। फिर उन्होंने दिया। फिर मैं उस पर बैठी रात दिन करते रहे। फिर उसके बाद फिर एक दिन बोलते हैं उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा ठीक है रहने दीजिए। तो उमा बोली ये रहने दीजिए का क्या अर्थ होता है। मैंने बोला रहने दीजिए आज के लिए रहने दीजिए। फिर उसके बाद जैसे बोलते हैं ना सिनेमा छोड़ने वाले तो है नहीं ना, हम छोड़ने वाले ना वो छोड़ने वाले। फिर जैसे कहते हैं ना सिनेमा में सारे कष्ट ऐसे लगा जैसे हमारे ऊपर आ गए। कभी मेरे ससुर बीमार नहीं पड़े, वो अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद हमारी सास जी का उनकी तबीयत खराब वो एडमिट, उसके बाद ननंद वो एडमिट, जैसे सब लोगों ने बीड़ा उठाया कि एक के बाद एक को हमें जाना भी है। सब कुछ खत्म हुआ उसके बाद मैं खुद गिर गई, मेरा हाथ एक तरफ से टूट गया, टूटा नहीं खैर थोड़ा सा मोल गया, इस हाथ से काम नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर से कि क्या मैं इस हाथ से काम कर सकती हूँ, बोले हाँ लैपटॉप पे है तो कर सकते हो, वैसा है तो काम नहीं कर सकते। तो हस्बैंड बोलते अच्छा जो तुमको पसंद है वो डॉक्टर ने भी कह दिया करने को और जो काम है घर का वो नहीं करना है। मैंने कहा नहीं अब बस राम की सेवा करेंगे, ये 15 दिन बहु बिचारी काम पे लग गई तो हम राम की सेवा में लग गए। और इस तरह करते 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 एक दिन मैंने बोला ओम जी एक बार और मुझे दे दीजिए, मुझे और त्रुटियां लग रही हैं। तो बोले मैंने अब ये काम शिव को सौंप दिया है, अब आप जाने वो जाने। अब शिव जी हैं कि शिव जी के बेचारे उनकी वाइफ को भी का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो एक हफ्ते के बाद हमारे मैसेज का उन्होंने उत्तर दिया कि अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो आप कितने समय में वापस करोगे। मैंने कहा आप 9 बजे भेजिए, मैं 10 बजे आपको वापस कर दूंगी। और मैं दाद देती हूँ सचमुच इस महान आत्मा की और शिव जी की जो उनके साथ लक्ष्मण की तरह लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे बारीकियों को उन्होंने हमारे साथ ठीक करवाया। और मैं समझती हूँ कि जितना प्रयास हमने उस समय पे किया, अभी तो खूब हंसी आ रही है, वो एक दिन तो मैं मुझे और उमा को नाइट में जिसे हम कहते हैं ना रात में सो नहीं पाए कि ओम जी को हमने गुस्सा कर दिया।
पीएचडी की स्कॉलर हो, 26 वर्ष मैंने कॉलेज में काम किया, कितनी पुस्तकें मेरे हाथों से एडिट और क्या बोलते हैं प्रूफ रीडिंग हुई है, और ओम जी जिनको भाषा नहीं आती, हजारों गलतियां उन्होंने मेरे सामने निकाल के रखा और फिर चुनौती मेरे सामने की, क्या एक्टिंग किया तुमने इतने वर्ष। और आज इस पुस्तक को देखकर सचमुच मेरी बगानी से आप लोगों को लग रहा होगा भाव विभोर हो रही हूँ, आंखों में पानी आ रहा है, बस आई एम वेरी हैप्पी। दो तीन वाक्य मैं कहना भूल गई, द हाईएस्ट पेशेंस अवार्ड अगर हमारे प्रोजेक्ट में ही देना पड़ेगा तो कामेश्वरी को, क्योंकि हम इस दौरान दोनों ह्यूस्टन नगर में बहुत बार बिना वीजा गए थे, उनके कमरे के पीछे कितने बुक्स हैं वो भी हम जान चुके हैं कि नंबर ऑफ बुक्स उनके पीछे जितने मीटिंग के दौरान और जहां जहां पर वे बैठते पूरा उनका घर हम देख चुके हैं जूम के जरिए। तो बिना वीसा गए हैं, बगैर एक दिन वीसा हमारे पास है, जाएंगे जरूर उनके घर, दैट इज रिफ्रेंटिंग। मगर जैसे कामेश्वरी जी ने कहा, पुस्तक लिखने की एक कला है और सिर्फ वो लिख कर रखने की नहीं, बल्कि एक एक अक्षर को किस प्रकार लिखना है, मैंने तो हम दोनों ने तो इस प्रकार से सीख लिया है, इसलिए कभी भी पुस्तक लिखने के लिए कुछ कलम उठाती हो तो तुरंत मेरे आंखों के सामने ओम जी आ जाते हैं। थैंक यू सर। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जोन करई सिरमानी सो पच्छिताई अधाई उर अवसी हो होई हित हानि। इसका अनुवाद हिंदी में है, मुझे क्यों टाइम लगा क्योंकि ये भी तेलुगु में लिखा हुआ है और फिर इसका जो अनुवाद है वो है, मंच कोरे स्वभाव स्वभावमु गल गुरुवु मंचिनि बोधिंचे स्वामि माटलनु विननि वानिकि मेलु जरगदु, पश्चातापमुतो मनसु रगులుతుంది हानि कलुगुतुंदि। जय जिसको तेलुगु जिसको तेलुगु आती है यहाँ पे शिव जी ओनली, एनीबडी एल्स रामायण का प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे हैं, हाँ है ना, इतनी मेहनत इन्होंने जो बयान किया है वो 5% के लिए इतनी इन्होंने मेहनत की, अगर हम वुमन आवर्स काउंट करें, मैन आवर्स तो नहीं कहूंगा मैं, वुमन आवर्स काउंट करें, इट्स काउंटलेस, लिटरली काउंटलेस आवर्स ऑल ऑफ देम स्पेंट, दैट्स जस्ट लेट देम ओवर अबाउट दैट। ये सारी पुस्तकें आई एम नॉट श्योर दे पोस्टेड ऑनलाइन और नॉट, दे विल बी ऑनलाइन अवेलेबल फ्री एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप डाउनलोड करिए, आप बेस्ट मित्र को भेजिए, जीरो कॉस्ट। जिनको प्रिंटेड कॉपी चाहिए एट कॉस्ट और बिलो कॉस्ट विल मेक, सो वी डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट, यू विल नो इट, सो इट माइट बी प्रॉबली 100 rupees, 125 rupees, समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता पैसों से, जैसे मैं बनिया प्रवृत्ति का हूँ पर पैसों से दूरी रहता हूँ, तो एट कॉस्ट और बिलो कॉस्ट यू कैन गेट योर कॉपीज। मेरा एक बहुत विनम्र, हम बातें बहुत करते हैं धर्म की और संस्कृति की, वो अच्छी बात करनी चाहिए, पर मेरा हमेशा एक्सटेंड रहा है, मैं अपने धर्म के प्रचार के लिए संस्कृति प्रचार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, द व्हाट आई, ये प्रश्न आप अपने आप को पूछिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रचार प्रसार के लिए अपनी किताब, अब मैं कहूँगा तो ठीक है मेरा नाम है इसमें प्रचार कर रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि पुस्तक उपयोगी है, 100 copies खरीदिए, पार्टी वितरण करिए, तभी ये कभी बढ़ेगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, बातें कर सकते हैं, उन्होंने ये किया, औरंगजेब ने किया, अलाउद्दीन ने किया, उन्होंने जो क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे बहुत मेरे मन में पता है समय हो गया है, मेरे मन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हम कहते हैं आज आप अमेरिका में चले जाइए, किसी भी होटल में चले जाइए, आपको बाइबल की कॉपी मिल जाएगी, हाँ या ना, इवन इन इंडिया, इस शहर में भोपाल में किस होटल में गीता की कॉपी मिल जाएगी बताइए, किस होटल में रामचरित मानस, इस बात को लेकर मुझे वास्तव में
हमेशा रहता है। ये तुलसी मानस भवन यहाँ पर है, रामायण केंद्र यहाँ पर है। किस होटल में आपको रामायण भारत मानस की सुंदर कहानी गीता प्रेस ने इतना बड़ा काम किया है, हम क्या कर रहे हैं? गीता प्रेस से आप 100 कापियाँ मंगाइए और घर घर में बांटिए, तभी एक आगे बढ़ेगा। ये सेमिनार वगैरह किसी घर में रामायण है वो पता लगेगा, 15-20% लोगों के घर में रामायण नहीं। सो इफ यू वॉन्ट टू डू मेक अ डिफरेंस आस्क योर सेल्फ वॉट आई शुड, नहीं ये नहीं कि हमें ये करना चाहिए, हमें नहीं मुझे क्या करना चाहिए। रामचंद्र भवन की तरह यही भाव है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये इन सब देवियों ने साबित करके बता दिया है कि मैं मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा आपसे इफ नथिंग एल्स कम्स आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, मेरा आपसे ये सब निवेदन है, टेक दिस वन लेसन कि मुझे क्या करना चाहिए और अपने आप को पूछिए मुझे क्या करना चाहिए। तन मन धन, हाँ बस मेरा यहाँ समाप्त हुआ। अब अंतिम बात, सभी अतिथियों को रामचरितमानस की प्रति उनको जो वर्तौनी कहते हैं या रिटर्न गिफ्ट कहते हैं उसके स्वरूप पे भेंट करी थी। और कुछ सालों से शायद समय नहीं बता पाऊंगी, अगर मेरे सामने मुझसे बात करने के बाद किसी ने भी रामचरितमानस पढ़ने की इच्छा जाहिर करी है तो मैंने उससे कहा कि प्लीज आप मत खरीदिएगा, मैंने उसे रामचरितमानस खरीद कर गिफ्ट किया है। धन्यवाद।